अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अलबी सिस्टर्स। ठीक है, तो बहुत दिनों बाद मैं आज वीडियो बना रही हूँ आप लोगों की फरमाइश पे। और आज मैंने बहुत सारी सुबह से मैं एक्टिव हुआ, मैंने इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारी स्टोरीज़ अपलोड करी है। तो अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। मेरी आईडी का नाम है इकरा अलवी 25। मैं मतलब यूट्यूब से ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। 3 क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा थे। एक तो ये था कि आप इतने दिनों से गायब कहाँ हो और आप यूट्यूब वीडियोज़ क्यों नहीं बना रहे हो। दूसरा क्वेश्चन था कि आप अपने घर का होम टूर कब करवा रहे हो। और तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ऑब्वियस है, आप लोग जानते होंगे कि किस बारे में होगा। तो ये 3 क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं मुझसे और मैं नाम भी लूँगी जिन्होंने ना पूछे हैं, क्योंकि आप लोगों को नाम सुनने में बहुत अच्छा लगता है अपना, तो मैं आप लोग का नाम भी लूँगी। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। से पहले मतलब कॉन्फिडेंस खो गया है मेरा, क्या बोल रही हूँ, आवाज़ थर थर आ रही है मेरी, क्या हो गया है मुझे। पिंकी हाशमी पूछ रही है, एक लिपस्टिक इतने टाइम से पूछ रही हूँ, उसका तो रिप्लाई आप देते नहीं हो। मैंने तो यार हर लिपस्टिक के बारे में बताया है, मतलब सब जानते हैं कि मैं कौन सी लिपस्टिक लगाती हूँ। और सबसे ज़्यादा जो मेरी फेवरेट थी, अब नहीं है, मैंने अपना मेकअप थोड़ा बहुत चेंज किया है, वो भी आप लोग को दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगी। मैंने बहुत सारे मेकअप अपने चेंज किए हुए हैं, तो लिपस्टिक मैंने बहुत सारी बार बताया हुआ है। यार आप लोग कैसी बात करते हो। आप कहाँ रहती हैं। हम भी लखनऊ में मलियाबाद से हैं। माय नेम इज़ यशा खान। ओके गाइज, तो मैं लखनऊ में रहती हूँ इंदिरा नगर के पास, और यशा खान है मलियाबाद से, उन्होंने पूछा था तो मैंने बता दिया। सुमना इरफान से मेरी बातचीत भी एक बार हो चुकी है, तो सुमना पूछ रही हैं कि व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। मतलब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं। आप लोग को अब मैं मोबाइल रख देती हूँ, मैं दिल से मतलब 1-to-1 कुछ बात करना चाहती हूँ। तो उसका रीज़न ये है कि जब मैं नैनीताल गई थी, तो नैनीताल जाने के बाद मैं वहाँ पर गिर गई थी, मेरा पैर ट्विस्ट हो गया था, मेरे फ्रैक्चर हो गया था। मुझे लगा था कि वो एक बाल होगा, ठीक है, मगर वो बाल नहीं था, वो फ्रैक्चर था, समझ रहे हैं आप। तो उस जब मैं उस चीज़ से गुजरी और मैं एक महीना पूरा मैंने रेस्ट लिया है, मतलब मुझे चलने के लिए मना कर दिया था, फिर भी मैं चल रही थी थोड़ा बहुत, क्योंकि घर मेरा उसी वक्त शिफ्ट भी हुआ था, मतलब मैं थोड़ा बहुत शिफ्ट करके गई थी मनाली और फैमिली के साथ, तो थोड़ा बहुत तो शिफ्ट हुआ था, बट अच्छे से नहीं शिफ्ट करके गई थी। तो फिर उसके बाद वहाँ से आने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो शिफ्ट नहीं हो पाया था, सामान कुछ चीज़ें सही नहीं थी, तो वो सब में मैं लगी रही। ठीक है, एक महीना तो मैंने रेस्ट लिया, मैंने कुछ नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद जब बहुत इंसान इन सब चीज़ों में पड़ा रहता है ना, तो फिर वो मोबाइल नहीं उठा पाता है। बहुत सारे लोग अब जो डेली यूट्यूब बना रहे हैं, डेली यूट्यूब चैनल पे अपना अपडेट दे रहे हैं, तो वो हर चीज़ बताते हैं, बट आई एम नॉट वन ऑफ देम। मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं अगर सैड हूँ, मैंने आप लोग को ये पहले भी बताया हुआ है कि अगर मैं सैड हूँ तो मैं मोबाइल उठाकर वीडियो नहीं बना सकती हूँ। मतलब अगर मैं खुश हूँ तभी मैं वीडियो बनाऊँगी, अगर मैं सैड हूँ या मेरे घर में कुछ दिक्कत चल रही है तो मैं मोबाइल उठाकर वीडियो नहीं बना सकती हूँ। इसीलिए मेरी जो वीडियो है वो नहीं आ पाती हैं। यही रीज़न है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पाती हूँ यूट्यूब पे। अगर मेरी तबीयत ख़राब होती है या कुछ भी XYZ मेरे साथ कुछ भी होता है और अगर मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ उसके वजह से, तो मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। एक और मैं उस चीज़ के लिए आप लोगों से सॉरी कहना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो यार, इतना प्यार करते हो, मैं बताते बताते थक गई हूँ कि मैं आऊँगी, मैं वीडियो बनाऊँगी, बट कंसिस्टेंटली आप लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि आप व्लॉग कब बनाओगे, आप व्लॉग कब बनाओगे। सो लव यू ऑल, बहुत ज़्यादा प्यार मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मैं नहीं बता सकती हूँ पब्लिकली, तो उस चक्कर में फिर मैं एब्सेंट हो जाती हूँ, फिर मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। तो यही सारी वजह हैं मेरी लाइफ में जिनकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, सुमना क्वेश्चन क्या है।
सद्दू लव सादिका, सादिका नाम है ना, सादिका ही नाम है। अस्सलामु अलैकुम अप्पी, मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ आपके व्लॉग्स को और आपको भी, मिस यू सो मच, मिस यू टू। अरहमा बोल रही हैं अप्पी आप व्लॉग्स कब बनाएंगी। जायकाए इश्क बोलती हैं आपका स्किन कैसे ग्लो करता है माशाल्लाह, शेयर सम टिप्स। देखो मेरी स्किन, आप लोग जब जानते ही हो कि मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। अभी मैंने फेस पे सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाया है और कुछ भी नहीं लगाया, लिपस्टिक लगाई है, मॉइस्चराइज़र लगाया, नथिंग एल्स। मैं कहीं जाती हूँ तो मैं ये वाला फाउंडेशन लगाती हूँ, ये है मामा अर्थ का ग्लो सीरम फाउंडेशन। इसमें जो ग्लो देता है वो बिल्कुल अंदर से ग्लो देता है स्किन में। इसमें इस तरह से आता है, ये मेरा शेड है 02 क्रेम ग्लो, और इसको बस मैं थोड़ा सा लेती हूँ। इसमें कोई सिरम वगैरह मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इसको बस आप लो, दो पंप लो, दो पंप में तो आप बिल्कुल आराम से, ये देखिए। अब तो मैं कोई ब्लेंडर एंडर भी बहुत कम यूज़ करती हूँ, बस ऐसे ही डैप करके लगा लेती हूँ। ग्लो का ग्लो हो जाता है, फाउंडेशन का फाउंडेशन हो जाता है। कौन ब्लेंडर ले, कौन इतनी जतन करे, कहीं जाना होता है, वैसे भी अब मैं बहुत कम निकलती हूँ और कहीं जाना होता है तो बस सिंपल सा मेकअप कर लेती हूँ ताकि केक ही ना हो। इस ये मतलब फाउंडेशन ऐसा है कि ड्राई स्किन, मेरी ड्राई स्किन है तो ऐसा नहीं लगता है कि पैची लगे, बिल्कुल एकदम स्किन से मिल जाता है। हाँ जी, तो ये हो गया फाउंडेशन, अब मैं फाउंडेशन भी लगा लिया है मैंने। बहुत सारे शेड में आता है, अगर आपका कोई भी शेड होगा तो वो आपको मामा अर्थ का ग्लो सीरम फाउंडेशन में आपका शेड मिल जाएगा। इस फाउंडेशन में आपको मिलता है विटामिन सी जो कि आपकी स्किन को ब्राइट करेगा, और टर्मरिक जो कि आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन देगा। तो ये दोनों ही इंग्रेडिएंट बहुत ही बढ़िया है जो कि आपकी स्किन को बिल्कुल हार्म नहीं करेंगे। डेली बेसिस पे भी आप इस फाउंडेशन को लगा सकते हो, जो भी कॉलेज गोइंग गर्ल हैं वो सब भी इस फाउंडेशन को लगा सकते हैं। तो मेरी ग्लोइंग स्किन का राज तो यही है। ऑल मामा अर्थ प्रोडक्ट्स आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल एंड ऑल नेचुरल। इसका कॉस्ट है 599 रुपीज, मगर आप मेरा अगर कूपन कोड यूज़ करेंगे विच इज़ अलबी 2023 तो आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट। मामा अर्थ के प्रोडक्ट सभी ऐप पे आपको मिल जाएंगे, मामा अर्थ की खुद की वेबसाइट है वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे, खुद का ऐप है वहाँ पर भी मिल जाएंगे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका, पर्पल, सभी जगह आपको मामा अर्थ के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो आप लोग जाके वहाँ से खरीद सकते हो, प्लस नियर बाई स्टोर्स में भी आप जाकर मामा अर्थ का प्रोडक्ट खरीद सकते हो। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मामा अर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है और एक इंडियन ब्रांड है, एंड एवरी टाइम यू बाय एनीथिंग फ्रॉम देम वी विल लिंक योर ऑर्डर टू अ ट्री एंड द एग्जैक्ट जियो लोकेशन विल बी सेंड टू यू। Mama Earth has launched their official app also, users get early access to the sale and get extra discount. Hi. सो जायका इश्क, कि ये था राज मेरी ग्लोइंग स्किन का। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है किलर हसीना 291 ने, अस्सलामु अलैकुम कैसे हो आप, जारा अप्पी ने अपना सैलून खोला है तो आप क्यों नहीं खोल रही हो, आप बहुत क्यूट हो। यार मैं रेगुलर वीडियो तो बना नहीं पा रही हूँ, सैलून क्या खोलूँगी, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सॉर्ट आउट होनी है, घर बन गया है, सब कुछ हो गया है, बट अभी बहुत सारी चीज़ें इस घर में बाकी हैं, मतलब इसीलिए मैं होम टूर भी नहीं दे पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि अभी पर्दे नहीं लगे हैं, अभी प्लांटर्स नहीं लगे हैं, नीचे अभी बेड वगैरह नहीं आए हैं, मतलब बनने गए हुए हैं, अभी तक आए नहीं हैं। तो जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तब मैं होम टूर दूंगी, ऐसे आधा अधूरा देने से फ़ायदा क्या है ये बताओ। आधा अधूरा तो मैं इंस्टाग्राम पे ही दिखा देती हूँ, कभी कुछ कभी कुछ, तो वहाँ तुम लोग फॉलो कर नहीं रहे हो। हाँ बस ये बात है, सैलून नहीं, बट हाँ मैं ये चाहती हूँ कि कोई मेरा बिजनेस हो, इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से। क्वेश्चन है कौसर फैजान बरी, प्रॉपर व्लॉग कब बनाऊंगी यार, प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगी मैं ये सोच रही हूँ कि मैं संडे को, जैसे कि संडे को एक व्लॉग दे दूँ, मैं ऐसा सोच रही हूँ, एक हफ्ते में एक व्लॉग नहीं से कुछ तो सही होगा, या एक हफ्ते में दो व्लॉग ऐसा कर सकते हैं, मतलब मुझे भी बर्डन नहीं पड़ेगा, मुझे भी गुस्सा नहीं आएगी कैमरा उठाते हुए, और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि हाँ एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो बना रही है ना।
तो ऐसा हो सकता है, जैसा आप लोग कमेंट करना वैसा बताना, ठीक है। हफ्ते में दो बार बनाओ या हफ्ते में एक बार बनाओ, ये आप लोग डिसाइड करो, ठीक है। क्वेश्चन है सैयद साहब 786N, ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। माहिरा रैनी बोल रही हैं, आप यूट्यूब पे नहीं एक्टिव हैं, आई मिस योर ब्लॉग, लव यू माहिरा। अनम मोइन खान ने पूछा, हेयर ट्रीटमेंट कौन सा कराया है आपने। मैंने करवाया है केरा स्मूथ कराया, बट यार मत करवाओ। मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ कि कुछ भी ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बाल अच्छे थे, मेरे बाल बिल्कुल नहीं टूट रहे थे, मेरा बिल्कुल हेयर फॉल नहीं हो रहा था, और फिर मेरे चुल हुई, फिर मैंने कहा कि यार मतलब जैसे ट्रीटमेंट करा लो तो ऑर्गेनाइज तो लगता है चेहरा, मतलब स्ट्रेट लगेगा, कहीं प्रेजेंटेबल लगता है, मगर इसके ड्रॉबैक्स, इसके इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मेरे बाल इतना झड़ रहा है, मतलब ऐसे नहाओ ना और यूँ निकालो, जड़ से बाल निकल रहा है, जड़ से इतना बाल निकल रहा है। और सोचो कि अब नहीं निकलेगा, अब पानी डालते हैं, फिर सोचते हैं अब नहीं निकलेगा, और फिर यूँ करते हैं, फिर बाल निकलता है। अरे यार हार्ट अटैक आ जाता है देख के। और फिर उसके कंघा करो तब फिर टूटते हैं, फिर बाल सुखाओ फिर टूटते हैं। तो मतलब इतना बाल टूट रहा है केरा स्मूथ के बाद। सो दिस इज़ माई एडवाइस टू यू गाइज, दैट डोंट गो फॉर एनी ट्रीटमेंट, इट वॉन्ट हेल्प यू। हाँ अच्छा लगेगा, जैसे कि मैं अच्छी लग रही होंगी, आपको बाल अच्छे लग रहे होंगे, बट एक हेल्दी बाल होना ज़रूरी है। मतलब सर पे बाल होना भी तो ज़रूरी है ना अच्छे दिखने के लिए, तो बिल्कुल कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ माई एडवाइस। देखिए मैं कभी झूठ नहीं बोलती, मैं आप लोगों को कभी गलत गाइडेंस नहीं दे सकती हूँ, ठीक है। मिसेज रहमान ने पूछा है, मिस योर व्लॉग एंड योर वॉइस। ओके थैंक यू सो मच मिसेज रहमान। उज्मा शेख पूछ रही हैं, अब भी आपकी फैमिली बहुत स्वीट है माशाल्लाह, थैंक यू। समीर खान 417, आपकी शादी को कितना टाइम हुआ है। मेरी शादी को 3.5 ईयर हो गए, 3.5 साल हो गए, ठीक है। आपकी हाइट कितनी है और आपके शोहर की हाइट कितनी है। मेरी हाइट 5 फुट है और मेरे शोहर की हाइट मुझे लगता था 6 फुट है। माई होल लाइफ वॉज अ लाई, मैं ये सोचती थी शानवाज 6 फुट के हैं, बट अभी जब हम लोगों ने रिसेंटली जिम ज्वाइन किया था, तो दोनों ने जिम ज्वाइन किया मगर जाता कोई नहीं है, तो उनकी जब मैंने हाइट देखी तो उनकी हाइट 5'8" या 5'9" थी। तो मैंने कहा बताओ, मुझे पता ही नहीं था, मैं दुनिया से गा रही थी कि शानवाज 6 फुट के हैं, बट नो ही इज़ 5'8" और 5'9" समथिंग, 5'10" भी ऐसे भी हो सकता है, मतलब 1-2 इंच कम है, ठीक है। ओके तो कुलसुम पूछ रहे हैं, अब भी आप ब्लॉग क्यों नहीं डालती हैं, ना जोया डालती हैं, क्या हुआ, सब खैरियत है, दिल हट गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वही कॉम्प्लिकेशंस जो भी आते रहते हैं लाइफ में, उसके वजह से मैंने तो बंद कर दिया था, मगर मैं फिर वापस आ जाऊँगी। मैंने अभी आपसे पूछा ही है कि संडे में दो, मतलब एक हफ़्ते में दो व्लॉग दूँ ऐसा चलेगा, या एक हफ़्ते में एक व्लॉग दूँ चलेगा ना आप लोग को। और बाकी जोया तो आप लोग जानते हैं, जोया बहुत बिजी है, जोया जॉब भी कर रही है, जोया घर भी देखती है, तो इसलिए उसको टाइम नहीं मिल पाता है। मीनाल खान ने पूछा है, आप डेली व्लॉगिंग क्यों नहीं करते, मैंने आपको बता दिया है। असलम पूछ रहे हैं, ब्लॉग क्यों नहीं बना रही है, बता दिया मैंने। अलवीरा बोल रही है, हम आपसे कब मिल पाएंगे। अलवीरा माई डोर्स आर ओपन फॉर यू, आप कभी भी आओ लखनऊ यार, बस आ जाओ बता के। अब मैं कितनी बार बुलाऊँ तुम्हें, अब तुम्हें नहीं आना है तो मत आओ भाई, क्या बोलें, बस ऐसे लिखने से थोड़ी कोई मोहब्बत होती है। कभी आओ, अप्पी से मिलो अपनी, सिर्फ मैसेज ही करती हो कि कब मिलोगी, कभी आ जाओ घर बिना बताए आ जाओ, मतलब कॉल और करो, मैं बता दूँगी एड्रेस, ठीक है। निकिता बोल रही है, निकिता 1230 बोल रही हैं, होम टूर कब आएगा। होम टूर तब आएगा जब मैं पूरा अपना घर डेकोरेट कर लूँगी। बहुत सारी चीज़ें अभी पेंडिंग है, प्लांटर्स हैं, पर्दे हैं, और नीचे बेड्स वगैरह आने हैं, तो नीचे भी बहुत अच्छा बन गया है, सब कुछ बहुत अच्छा बन गया है, बट फिनिशिंग कुछ ना कुछ बाकी है, तो वो जब हो जाएगा तब, ठीक है। आफरीन फातिमा कह रही है, आई मिस यू, आप ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच आफरीन। और नूरे हयात पूछें, आप तो व्लॉग नहीं बना रही हैं, उसका क्वेश्चन बहुत लोग करने वाले हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि जोया साइड का व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। बस वही मैंने बताया कि जोया इज़ बिज़ी इन हर लाइफ। मंतशा बोल रही हैं, इकरा अप्पी आपकी ग्लोइंग स्किन का राज क्या है, मैंने बता दिया है। समीरा शेख पूछ रही है, अस्सलाम वालेकुम अप्पी, आपको हमेशा खुश रखे, हमारे लिए दुआ कीजिए, बहुत सारा लव।
आपको अल्लाह पाक, आप सभी को अल्लाह पाक बहुत खुश रखे, किसी की ज़िंदगी में कोई गम ना आए, आप लोग सेहतमंद रहें। और मतलब आजकल मैं थोड़ा अपना हेल्थ पे ध्यान दे रही हूँ, ऐसा मैंने कभी भी अपने हेल्थ का ध्यान नहीं दिया जैसा मैं अब दे रही हूँ। मतलब मैं क्या बताऊँ, इसकी अलग वीडियो बनेगी क्योंकि मैंने आज ही आप लोग को बताया कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ, तो इसकी अलग वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। पैसा भी ठीक है, पैसा अगर आपके पास बहुत सारा भरा हुआ है और आपकी हेल्थ नहीं है तो मतलब क्या फ़ायदा उस पैसे का। ठीक है, आप मैंने एक किसी ने कुछ अपलोड किया था कि मेरे पास, वो एक आदमी था और वो पर मिनट पर सेकंड वो इतना डॉलर कमाता था, इतने हज़ार करोड़ कमाता था। ठीक है, मगर वो बेड पे था और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और वो ये कह रहा था कि मुझे ये नहीं पता है, मतलब मैं ये भी नहीं डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं क्या खाऊं और मेरा इतना पैसा होने के बावजूद भी मैं लाचार हूँ। तो ठीक है, पैसा इज़ इम्पॉर्टेंट बट हेल्थ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो आजकल मैं अपनी हेल्थ का ख्याल रख रही हूँ और 10,000 स्टेप कंप्लीट कर रही हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ, 8 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाती हूँ। इतनी भूख लगती है, इतनी मतलब दिन भर मुझे भूख नहीं लगेगी मगर 8 बजे के बाद ऐसी भूख लगती है ना, पानी पी के गुजारा कर रही हूँ मगर कर रही हूँ। अब देखो, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। क्या पूछूँ आपसे और क्या कहूँ, आप खुद सोचना चाहिए कि मेरे फैंस वेट कर रहे होंगे। It's_AAA38 तो इनका कहना है कि मतलब क्या पूछूं आपसे, क्या कहूं आपको, मैं खुद आपको सोचना चाहिए कि बिल्कुल सही बात है, आप लोग बिल्कुल, मैं बिल्कुल बदतमीज़ इंसान हूं, मुझे आप लोग, ठीक है आप लोग हेट करो मुझसे, ठीक है। अब कोई इंसान सही बोल रहे हैं कि मतलब मुझे सोचना ही नहीं आप लोग के बारे में, सही कह रही हैं आप। डॉल चांद बोल रहे हैं बट ये बताओ अपनी थी कहाँ, मैंने बता दिया है। मिसेस खान बोल रही हैं आपका होल डे रूटीन व्लॉग बनाइए, बनाएंगे इंशाल्लाह। और आपका माशाल्लाह इतना हेल्दी रिलेशन का राज बताइए, हेल्दी रिलेशन माशाल्लाह लगाओ यार। जिम जा रहे थे ना बीच में, अब नहीं जा रहे क्या? तो जिम जा रहे थे बट फिर वही चोट के वजह से नहीं जा रही, अब सीधे वॉक कर रही हूँ। बट हाँ, अब मैं जिम भी जाना स्टार्ट करूँगी कि भाई पैसे दिए, हर बार पूरे साल की मेंबरशिप ले लेती हूँ फिर मैं जाती नहीं हूँ, मगर अब मैं जाऊँगी। अब मैं डेली 10,000 स्टेप कर रही हूँ जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है क्योंकि मेरे दिन के 500 भी स्टेप नहीं होते थे। ठीक है, तो मैं बेड से हिलने वालों में से नहीं थी जब से मेरे चोट लगी थी, तब से मैं बहुत कहने का मतलब ये है कि जब से मैं ऊपर शिफ्ट हुई थी तब से मैं कुछ भी वर्क नहीं करती थी, बस वैसे बाहर भी निकलती थी शाहनवाज के साथ तो बस ऐसे थकान लगती थी क्योंकि मैं एक महीना पूरा बेड रेस्ट मैंने किया है। तो उन सब चीज़ों के चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गई थी, अब मुझे कुछ करने का दिल नहीं करता था, मुझे कैमरा उठाने का दिल नहीं करता था, मुझे कुछ भी करने का दिल नहीं करता था, उस वजह से फिर बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट गई हैं, बट हाँ सब हो जाएगा। ओके, सो मोहम्मद उमर, माशाल्लाह आप भी बहुत खूबसूरत हैं, वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू। और अलनिदा बोल रही हैं आपका ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, बता दिया है मैंने। मारिया खान पूछे पाकिस्तान रियलिटी शो देखती हो आप, तमाशा 2 प्लीज़ रिप्लाई। नहीं, मैं नहीं देखती हूँ, मैंने अभी रिसेंटली पाकिस्तानी ड्रामा देखा था ताना बाना, तो ठीक ठाक था, मुझे इतना कोई ख़ास नहीं लगा। बट हाँ, जब एक स्टार्ट करते हैं ना तो फिर उसको पूरा एंड तक ख़त्म करने का वो रहता है, तो बस ख़त्म तो किया ड्रामा बट इतना कोई ख़ास नहीं था। स्पार्कलिंग आइज़ है, होम टूर कब मिलेगा, बता दिया मैंने आप लोग को इसके बारे में। दानिश सिद्दीकी, लखनऊ में कहाँ रहती हैं आप, बता दिया है मैंने आप लोग को। और अमल अली बोलती हैं इकरा पी आई लव यू बहुत सारा, आई लव यू टू। हिना सिद्दीकी बोलती है कब मिलेंगे हम लोग, हिना सिद्दीकी बोल रही हैं कब मिलेंगे हम लोग, मिलेंगे इंशाल्लाह। और शिजू सिद्दीकी बोलती हैं हाय, क्वेश्चन तो सब ख़त्म हो गए थे आपसे मिलकर, माशाल्लाह आप बहुत प्यारी हो, आप नेचुरल ब्यूटी हो कुछ भी। शिजू, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है। एक्चुअल में शिजू इज़ वन ऑफ माई सब्सक्राइबर ऑफ यूट्यूब और वो मुहाबा में रहती हैं, मुहाबा ही बोलते हैं ना, तो वो मुहाबा में रहती हैं, वहाँ से मुझसे मिलने आई थी,
मुझे उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा था, बहुत प्यारी फैमिली, उनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, तो हम और शाहनवाज दोनों उनसे मिलने गए थे और रियली मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा, और इंशाल्लाह हम लोग दोबारा भी मिलेंगे, ठीक है। रबाब बेग बोलती हैं, वाई आर यू नॉट अपलोडिंग योर न्यू हाउस वीडियो, जस्ट टोल्ड यू गाइस के क्या क्या चीज़ें अभी पेंडिंग है इसलिए नहीं। इट्स फातिमा, आप भी कैसे हो, व्लॉग का अब कैसे इंतज़ार नहीं हो रहा, मिस यू सो मच। कायनात बोलती हैं, अभी आप व्लॉग्स क्यों नहीं बना रही, मेरा दिल नहीं लगता है आपकी वीडियो देखे बिना। शीबा बोलती हैं माशाल्लाह, रूही बोलती हैं व्लॉग बनाओ, अरीशा बोलती हैं, अरीशा सैयद बोल रही हैं, कोई क्वेश्चन तो नहीं लेकिन आप प्लीज़ रोज़ व्लॉग अपलोड किया करो, इंतज़ार होता है कि न्यू व्लॉग आया या नहीं। लव यू अरीशा, लव यू सो मच। लाइव विद रिशु, रिशु वी मिस यू, इकरा वी आई मिस यू टू गाइज। कायनात द यूनिवर्स सेम क्वेश्चन, लाइव विद रिशु क्या बोल रही हैं, फाइनली मिलेगा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप, फैमिली में सब ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सो गाइज बस आखिरी में यही सब है। फैबुलस हुआ पूछ रही हैं, काफ़ी दिन से आपका व्लॉग नहीं आया, होम टूर। इरम परवीन होम टूर। रिदा सिद्दीकी, आपसे मुलाकात कब हो सकती है। हानिया बोल रही हैं मुलाकात इंशाल्लाह ज़रूर होगी। हानिया पूछ रही हैं कैसी। फायज़ा बोल रही हैं आपकी लव मैरिज है या अरेंज, तो मेरी अरेंज मैरिज है। और निखत हाशमी बोल रही हैं आपकी नंद कभी मायके नहीं आती हैं। और क्या है, कितनी बार बताऊं मैं आप लोग को एक एक चीज़, मतलब रिपीट क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो। बस लखनऊ में स्टिच गरारा कहाँ मिलेगा प्लीज़, आई एम फ्रॉम रामपुर, रामपुर के गरारे खुद इतने फेमस हैं। लखनऊ में स्टिच गरारे अमीनाबाद या चौक नखास में मिल जाएंगे आपको, नवेल्टी में भी मिल जाएंगे, नवेल्टी क्लॉथ हाउस नज़ीराबाद में। So yeah guys, that's all for this video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, so do like, share and subscribe to my channel. अलवी sisters, मिलते हैं आपसे next vlog में। और हाँ, मुझे बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत 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 सारा शुक्रिया। और या yeah.